नमस्ते फ्रेंड्स, क्रिप्टो पे चर्चा के एपिसोड 3 पे आपका स्वागत है। अभी आज के गेस्ट बहुत स्पेशल है, लेकिन हम थोड़े 5-10 मिनट के लिए रुक जाते हैं, थोड़े और लोगों को ज्वाइन करने दो। मैं आपके कमेंट्स देख लेता हूँ तब तक। आई होप मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है आपके उधर। हाय गाइस, कमेंट्स दिख रहा है मुझे। हाय प्रलय, हाय प्रलय, शेख, आसिफ, हाय सर, गुड इवनिंग, राम राम जी की। हेलो हेलो हेलो, सब आ रहे हैं अभी। कुछ ही देर में हम शो शुरू करेंगे और अब हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें भी इनवाइट करेंगे। जरा मैं जस्ट रुका था, थोड़े और लोग आ जाए। 50 लोग आ गए अभी, थोड़ा और वेट कर लेते हैं एक बार। गांधी जी वॉचिंग फ्रॉम यूके। स्टार्ट करते हैं, 2-4 मिनट रुक जाइए जस्ट, और थोड़े लोगों को ज्वाइन कर लेने दो। ओके ठीक है। तो ठीक है, तो हम गेस्ट को बुलाने से पहले मैं एक दो तीन बातें शेयर करना चाहता था आपके साथ। सो पहला तो था, लास्ट वीक हमने जब क्रिप्टो पे चर्चा किया था, उसी दिन ये जो हमारा आरबीआई के अगेंस्ट जो कोर्ट केस है उसका तारीख था। और आपको पता है कि अभी 3 महीने बाद नेक्स्ट डेट मिला है, जो कि आई थिंक जुलाई 23 को होगा नेक्स्ट डे। आशा करते हैं कि उस दिन हियरिंग चालू हो जाए। जहां तक मुझे पता है उस दिन डेफिनेटली हियरिंग शुरू होने वाला है। तो जुलाई 23 बहुत इंपॉर्टेंट डेट होगा हमारे लिए और आपके लिए, हम सबके लिए। दूसरा बात है कि आई थिंक लास्ट वीक में जो हुआ, कॉइन डेल्टा ने अनाउंस कर दिया कि वो अपना एक्सचेंज बंद कर रहे हैं। और फिर हम वजीरेक्स में हमें बहुत यूजर्स ने बोला कि विड्रॉल फीस उन्होंने बहुत बढ़ा दिया है। तो हमने विड्रॉल फीस रिफंड इनिशिएटिव चालू कर दिया था। तो आप घबराइए मत कि इंडियन एक दो एक्सचेंजेस बंद हो गए हैं तो ठीक है, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बंद हो जाएंगे। वजीरेक्स हैं आपके लिए यहाँ पे और हमेशा रहेगा। हम हर महीने हम कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं, वजीरेक्स को बढ़ा रहे हैं। हमने जस्ट इंटरनेशनल लॉन्च जस्ट किया, 1-2 हफ्ता ही हुआ है। तो हम आगे ऊपर 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 आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, आप टेंशन मत लो। चलो अभी हमारे जो अगले गेस्ट हैं उनका नाम है एडी और उनका क्रिप्टो चैनल है क्रिप्टो इंडिया। और बहुत ही मजेदार डिस्कशन होने वाला है आज। मुझे भी इसके बारे में कुछ पता नहीं है। जो टॉपिक हम आज बात करेंगे जो कि है टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके कुछ वीडियो देखे थे मैंने। तो चलो हम आईडी को स्क्रीन स्क्रीन पे बुलाते हैं, शो पे बुलाते हैं। चलो क्रिप्टो इंडिया के लिए लोग आए, अच्छा है। हे आईडी, यू आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड, ऑसम ऑसम। गुड टू हैव यू ऑन क्रिप्टो पे चर्चा एपिसोड 3। बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हमने हमारे बहुत यूजर्स को पूछा कि गेस्ट का नाम बताए, तो आपका नाम बहुत ऊपर था कि आईडी भाई को बुलाओ, कॉल मिस्टर क्रिप्टो इंडिया। सो अलग अलग नाम से लोग आपको बुला रहे थे, बट चाहते थे कि आप आ जाए यहाँ पे शो पे। तो हमारे तीसरे गेस्ट आप ही हैं। थोड़ा स्टार्ट करने से पहले, सो फर्स्ट मैंने मेरे कलीग ने बोला कि एक इंटरेस्टिंग बात है आपके बारे में कि आप पहले रिक्रूटर थे और वहां से आपके जॉब के वजह से आप बिटकॉइन में। तो मुझे एक राइट स्टोरी स्टोरी मुझे नहीं, मेरे को लगता है हमारे सब ऑडियंस को भी जानना है कि ये कैसे हुआ, रिक्रूटर से बिटकॉइन में कैसे आ गए, ये बताइए। राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी एंड फॉर ऑल माय व्यूअर्स जिन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया। एंड वजीर एक्स, निश्चल आपको और आपकी टीम को सबको मतलब कॉन्ग्रेट्स एंड बहुत ऑसम काम कर रहे हो आप लोग।
बिकॉज 2018 का जो इतना बुरा मार्केट था, जहां पर एक्सचेंजेस बंद हो रहे हैं, लोग पैसे लूज कर रहे हैं, सब बाहर निकल के भाग रहे हैं, वहां पर आपने अपने एक्सचेंज को रन किया एंड अभी तक रन कर रहे हो, एंड जितना आई गेट रेगुलर फीडबैक सब मतलब दे आर रियली हैप्पी विद योर एक्सचेंज, कांग्रेचुलेशंस, इसी तरह से ऑसम वर्क आप लोग करते रहो। एंड मेरी बात करें तो मेरी स्टोरी इज इंटरेस्टिंग बिकॉज जब सबसे पहले बिटकॉइन आया था तो मैं स्टार्टिंग से इंटरनेट के अंदर काफी इंटरेस्टेड रहा हूँ, करता रहता था चीज़ों को। तो बिटकॉइन जब स्टार्टिंग में आया था तब सुना कि ऐसे ऑनलाइन करेंसी आने वाली है, तो सुना तो लगा कि यार ऑनलाइन करेंसी क्या होती, करेंसी तो गवर्नमेंट बनाती है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो आई हर्ड अबाउट इट बट इतना कुछ इंटरेस्ट उसमें रखा नहीं। उसके बाद देन इन 2014 जब सिल्क रोड वाला केस हुआ था, जब डार्क नेट के ऊपर सिल्क रोड की पूरी वेबसाइट शट डाउन करी थी, तो उस टाइम पे भी बुल मार्केट चल रहा था एंड बहुत ज्यादा प्राइस में स्पाइक आया था और काफी लोगों ने इंटरेस्ट उसके अंदर शो किया था। तो उसके बारे में काफी आर्टिकल्स इंडिया में भी निकल के आ रहे थे, न्यूज़पेपर भी कवर कर रहे थे, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हर जगह। तो उस टाइम पे फिर से देखा एंड उस टाइम पे लगा कि यार क्या है, कुछ कुछ तो हो रहा है ये, तो ट्राई कर लेते हैं। कंप्यूटर्स थे, काम कर रहे थे, तो उसमें डाउनलोड करके देखते हैं। बट समाओ करते करते फिर ये लगा कि यार यू नेवर नो, ऑनलाइन चीजें डाउनलोड करोगे, कुछ डेटा चोरी कर लिया, कुछ लेके चले जाए, तो यू नेवर नो कि क्या हो सकता है। तो उस टाइम पे करा नहीं। फिर उसके बाद अराउंड 2016, बिकॉज हम लोग यूएस एंड यूरोप के अंदर वी हैव अ रिक्रूटिंग कंपनी जिसके अंदर मैं वर्क करता हूँ एंड वी हैव बीन डूइंग इट फॉर लाइक 5 to 10 years, जहाँ पर हम लोगों को प्लेसमेंट वगैरह करवाते हैं। तो वहाँ पर काफ़ी सारी कंपनीज है जिनके साथ डायरेक्ट हमारा टच है, काफ़ी थर्ड पार्टी हैं उनके थ्रू भी हम वर्क करते हैं। तो वहाँ पर एक क्लाइंट था जिसके थ्रू वो मेड अ प्लेसमेंट एंड उनको हमको पेमेंट करना था। अब जब इंडिया में आपको बाहर से यूएस से पेमेंट लाना होता है तो देर इज अ बिग प्रॉब्लम, इतना ईजिली आप नहीं कर सकते हो। तो वहीं पर हमको काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी क्योंकि इंडियन बैंक्स जो हैं वो डायरेक्टली, उनकी ब्रांचेस तो है नहीं वहां पर, वो भी वहां पर जो बैंक्स होते हैं उनसे पार्टनरशिप करते हैं, टेक्स लाइक 7 to 28 days, कभी भी लग सकता है। तो उससे हमारा काफी डिले हो रहा था, प्लस जो थर्ड पार्टी था वो इतना परेशान हो गया इंडिया ट्रांसफर करने से कि इंडियन उसने बोल दिया कि मैं नहीं कर सकता, मतलब आई एम रियली पिस्ड और ऐसे करके, लेकिन पैसा तो पैसा होता है, हमको चाहिए था। तो इंडियन उसने ये ऑप्शन किया, मैं तुमको बिटकॉइन दे सकता हूँ, मैं बिटकॉइन ट्रांसफर कर सकता हूँ। तो तब ये लगा कि भाई बिटकॉइन का क्या करूंगा मैं। तो उसके बाद उसके बारे में रिसर्च करी कि इसको कैसे कैश कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसने ही बताया कि मतलब देयर आर लॉट ऑफ वेज, जस्ट गूगल इट। तो पता चला कि लोकल बिटकॉइंस करके पीयर टू पीयर ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप इसको सेल भी कर सकते हो, मतलब यू कैन एक्चुअली गेट कैश फॉर इट। ये कभी तो उसके बाद हमने कहा, ये कौन से साल में था? 2016 में। और ये तो मतलब कमाल है कि आपने बिटकॉइन इसलिए इस्तेमाल किया कि वहां से कोई आपको पैसे यहाँ भेज पाए, और बैंकिंग का इशू था, बैंकिंग इजी नहीं है, पैसे लेते हैं, तो जस्ट ये एक मतलब एक रियल एक यूज केस था कि बिटकॉइन वहां से यहाँ आ रहा है क्योंकि एक पेमेंट की तरह। एग्जैक्टली मतलब अब देख के वो लग, रियल लाइफ में भी कितने यूज केस हो सकते हैं। व्हेन यू गो आउटसाइड, अगर आप कहीं पर अटक जाओ, आपके पास कार्ड नहीं है, आप स्टक होते हो, यू डोंट हैव फिएट मनी, तो आपको इंडिया से कोई भी बिटकॉइन कर सकता है, यू कैन सेल इट एंड डेफिनेटली। तो उसी तरह से हमारे साथ ये हुआ। तो एट फर्स्ट मैंने देखा उसको एंड फिर जब उसके बारे में व्हेन यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट इट ना, कि बिटकॉइन बनाया क्यों, तो सतोशी नाकामोटो का क्या विजन था, कैसे फिएट करेंसीज एक बबल है, सारी चीजें, तो उससे बड़ा इंटरेस्ट बना कि इसको लेके तो बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, इसका तो एक अलग ही मार्केट है जहां पर सिर्फ बिटकॉइन ही नहीं है, और भी ऑल्ट कॉइन्स हैं जिसको लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो वहां से फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे आना स्टार्ट हुआ, कुछ अमाउंट वहां पर हमने सेल भी करा, निकाला भी, और फिर उसके बाद बाकी ऑल्ट्स थे उसको भी खरीदा, फिर थोड़ा बहुत ट्रेडिंग के अंदर ट्राई किया कि ये कैसे वर्क करता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कैसे आप बिटकॉइन बढ़ा सकते हो। तो वहां से ये जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुई, जो मतलब जिसमें ज्यादातर टाइम अब मैं इसी में स्पेंड कर रहा हूँ। और वहां से तो ठीक है, ये तो हो गया, बिटकॉइन के अंदर आप आ गए पेमेंट के लिए, फिर आपने देखा कि सिर्फ पेमेंट नहीं, ट्रेडिंग भी हो सकता है, फिर ऑल्ट कॉइन्स है। अब मेरे को लगता है जो भी देख रहा है उनका भी यही जर्नी होगा कि पहले बिटकॉइन देख लेते हैं, किसी ने बेच दिया, खरीद लिया, फिर मालूम पड़ता है एक ऑल्ट कॉइन है, फिर यू नो उन्हें ऑल्ट कॉइन्स को खरीद लेते हैं, पर ज्यादातर लोग यही करते रहते हैं। फिर वहां से आपने ये यूट्यूब चैनल पे कैसे आ गया? राइट, तो यूट्यूब चैनल का कभी प्लान नहीं था, लेकिन ये था कि आपको जब भी कोई चीज़ पता नहीं होती है तो आप उसको जानने के लिए क्या करते हो, आप यूट्यूब पे सर्च करते हो। तो मैं भी उस टाइम पे कोई भी कॉइन के बारे में आइडिया नहीं है या क्या होता है या क्या चीज़ हुई थी, उसके लिए ऑनलाइन सर्च करता था एंड बाहर के बहुत सारे उस टाइम पे चैनल्स थे जो रन कर रहे थे, तो उसको देख के काफ़ी चीज़ें पता चली। एंड क्योंकि आप क्रिप्टो का सर्च करते रहते हो तो एक बार मेरे को हिंदी चैनल भी दिखने चालू हो गए, तो मैंने उसको देखा एंड आई समहाउ आई फेल्ट कि मतलब कि यहाँ पर यार ये चीज ऐसे नहीं हो रही है, कुछ क्वालिटी यहाँ पर मिसिंग है जो कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि आपके लिए देखना और बोलना बहुत इजी होता है, व्हेन यू एक्चुअली डू इट ना तब पता चलता है कि कितनी हालत खराब होती है।
तो मुझे मुझे स्टार्टिंग पता चल रहा है, अभी मैं कर रहा हूँ ना यहाँ पे हाँ वीडियो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली देख के लगता है कि अरे कोई भी कर लेगा, ये तो क्या बोल रहा है क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद फिर मेरे चैनल पार्टनर हैं वो भी साथ में थी, तो उन्होंने बोला कि स्टार्ट करते हैं अपन करना है इसको एंड देखते हैं, चलता है तो ठीक है, नहीं चलेगा तो क्या होता है, फ्री टाइम पे कर लेंगे। एंड तो वीडियोस बनाने हमने स्टार्ट किए, उन्होंने स्टार्टिंग में चैनल पे वीडियोस बनाने स्टार्ट किए एंड धीरे धीरे लोगों का काफी इंटरेस्ट आया। जो हमने एजुकेशन हमने मतलब एकदम स्टार्टिंग से चालू किया कि कॉइन के बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि कॉइन एक्चुअली कर क्या रहा है, हो क्या रहा है, क्या इवेंट्स आने वाले हैं, तो उससे लोगों का धीरे धीरे इंटरेस्ट बहुत आया। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्योंकि वो बिजी हो गई, वो इतना टाइम नहीं दे सकती थी, तो फिर मैं कंप्लीटली मैंने टेक ओवर कर लिया चैनल के ऊपर जाकर, फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया। तो ये बेसिकली जर्नी हो गई थी। मतलब इन दी एंड ये इतना लंबा चलता नहीं फेज, लेकिन जिस तरह से लोगों का जो लोग जुड़ते गए साथ में, स्टार्टिंग से इतने साथ में थे, उससे काफी मोटिवेशन मिला। जब लोग आपको बोलते हैं कि नहीं, मतलब जब आपको ये रियलाइज होता है कि आप सही में एक्चुअली किसी को हेल्प कर पा रहे हो, तो वो एक चीज थी जिसने मतलब काफी मोटिवेट किया। सही है। तो चलो अभी ये तो हो गया कि नो आपने कैसे जर्नी स्टार्ट किया बिटकॉइन में कैसा है। अब मैंने आपके थोड़े वीडियो देखे और वहां पे मैंने कुछ वर्ड्स में नहीं तो भी ट्रेडर कम्युनिटी में सुनते रहता हूँ कि FATA फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस, और मैं इनके बारे में ज्यादा नहीं जानता और मैंने सोचा कि क्यों ना इस शो में हम उसके बारे में डिस्कस करें। तो समझो कोई मेरी तरह जिसको FATA जस्ट फुल फॉर्म शायद पता होगा, उसके लिए ये नेक्स्ट 10-15 मिनट्स उसके बारे में डिस्कस करते हैं ताकि ये शो राइट जब खत्म हो जाए हम सबको मालूम पड़े FATA क्या होता है। ठीक राइट राइट है, राइट राइट तो पहले राइट मुझे बताइए फंडामेंटल एनालिसिस क्या चीज है। राइट तो फंडामेंटल एनालिसिस सुनने में तो बड़ा लगता है कि कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल एनालिसिस का बेसिक मतलब ये होता है कि जिस भी क्रिप्टो करेंसी के आप अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, उसके अंदर किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई न्यूज आने वाली है जो उसकी प्राइस को पॉजिटिवली इफेक्ट कर सकती है, तो उसको फंडामेंटल एनालिसिस बोलते हैं। तो उससे क्या होता है, हमेशा देर इज अ पॉसिबिलिटी अगर पॉजिटिव न्यूज आने वाली है तो कॉइन की प्राइस राइज करेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल इतने सारे कॉइन्स है, अब अगर किसी कॉइन का मेननेट आने वाला है तो मेननेट इज अ बिग इवेंट, क्योंकि जो कॉइन है वो फाइनली उन्होंने जो चीज कमिट करी थी उसके ऊपर वो डिलीवर कर रहे हैं, और वो अपनी खुद की ब्लॉकचेन पे आएंगे तो और उनके लिए चीजें अनलॉक हो जाएंगे जो आगे फ्यूचर में वो डिलीवर कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, एक पॉजिटिव सेंटिमेंट बन जाता है कि जब ये प्रोजेक्ट आएगा, ये इसका मेननेट लॉन्च होगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो फंडामेंटल एनालिसिस बेसिकली यही होगा कि कोई न्यूज बेसिस पे आप एक तरह से एनालाइज करो कि मैंने 10 कॉइन ले लिया, इसमें से 10 कॉइन्स में से ऐसे कौन से कॉइन्स हैं जिसकी पॉजिटिव न्यूज आने वाली है, पॉजिटिव पार्टनरशिप की न्यूज आने वाली है, इस तरह से। तो बेसिक ये है कि न्यूज देखना। ओके अभी लेकिन ये तो अच्छा बात है कि प्रोजेक्ट के बारे में सब समझो। एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, मैं जब भी कुछ न्यूज पढ़ता हूँ तब तक मेरे से पहले सब लोग ने पढ़ लिया होता है और वो प्राइस कॉइन का ऊपर चला गया होता है। तो क्या करें, कौन से सोर्सेस है जहाँ पे आपको लग रहा है कि सबसे पहले हमें मालूम पड़ेगा इसके बारे में, कोई कॉइन का मूवमेंट होने वाला है कुछ भी? जितना आई हैव रियलाइज्ड, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको सबसे पहले पता चले, मतलब आप हमेशा लेट ही पहुंचोगे चाहे आप कितना अपने आप को प्रिपेयर कर दो। इनफैक्ट मैं भी कोशिश करता हूं, मैं हमेशा लेट ही पहुंचता हूँ, पार्टी पहले ही स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पर अब बेसिक जो आप सोर्सेज है जिसको आप यूज कर सकते हो जिससे यू यू कैन गेट एन आइडिया, वो ये जो इंस्टेंट न्यूज आ गई, जैसे आज के दिन ही कोई न्यूज आ गई बड़ी पार्टनरशिप की, उसके अंदर तो यू कांट डू एनीथिंग, बट आप फ्यूचर के लिए एक तरह से यू कैन प्रिपेयर फॉर इट। आप ऐसे कॉइन्स को पिकअप कर सकते हो जो इतने ज्यादा राइज नहीं कर रहे हैं, जो स्टेबल चल रहे हैं, साइडवेज मूव कर रहे हैं, इतना उसके अंदर अप ट्रेंड नहीं आया, उसको देखो और उन कॉइन्स के ऊपर रिसर्च करो कि क्या उसकी न्यूज आने वाली है। अब न्यूज कैसे आप फाइंड आउट करोगे, सबसे जो हेल्पफुल रिसोर्सेज मेरे को लगती हैं, ट्विटर के ऊपर आप हमेशा चेकआउट कर सकते हो कि वो क्या पब्लिकेशन एक तरह से डाल रहे हैं, कि क्या अपडेट्स उनके आने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं। उनकी आप खुद की वेबसाइट पे जा सकते हो जहां पर वो रोड मैप लिस्ट करते हैं, रोड मैप के अकॉर्डिंग यू कैन ऑल्सो मेक आउट की रोड मैप पे चीजें कैसे चल रही हैं। एंड इन दी एंड किसी चीज की श्योरिटी नहीं है, अगर ये रोड मैप पे लिखा हुआ है कि अप्रैल मंथ के अंदर ही मेननेट आने वाला है, तो जरूरी नहीं है उस टाइम पे आएगा, क्योंकि टेक्निकल चीजें एट टाइम्स डिलेज भी हो जाते हैं। तो उसके लिए यू ऑलवेज हैव दिस टेलीग्राम चैनल, हर एक कॉइन का खुद का टेलीग्राम कम्युनिटी होता है जहां पर जाके यू कैन ऑलवेज वेरीफाई कि भाई तुम अभी भी उसी टाइम पे चीजें कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिससे विच आई यूज एंड इट इज क्वाइट हेल्पफुल। बस ये है कि जो कॉइन की न्यूज आ गई उस पर तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो आगे आने वाला है उस पर कॉन्सेंट्रेट करके यू कैन ट्राई टू फाइंड आउट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और मेरे को लगता है ट्विटर पे हम हैशटैग लगा के भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि राइट कभी हाँ कभी क्या क्या होता है ऑफिशियल अकाउंट तो बाद में ट्वीट कर देता है, ज्यादातर फाउंडर्स कुछ वहां पे काम करने वाले लोग वो पहले कर देते हैं,
शायद यू नो ट्विटर सर्च बहुत कामगार चीज है लग रहा है. राइट, इसलिए मेरे को तो जो भी दिखता है ना, कोई भी कॉइन है, उनके फाउंडर्स हैं, तो आई ट्राई टू फॉलो एवरीबडी जो पोटेंशियली मेरे को न्यूज दे सकते हैं, बिकॉज वो एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी. तो मैं तो कभी इसको छोड़ता नहीं हूँ. मेरे सब्सक्राइबर्स को भी मैं ये चीज बोलता हूँ कि अगर कोई भी ट्विटर पे दिखता है तो ऐसे लोगों को तो फॉलो करो जो आपको डायरेक्टली न्यूज डिलीवर कर सकते हैं. राइट, तो ये क्योंकि न्यूज वेबसाइट्स में तो बाद में एंड में आ जाते हैं, हाँ, पहले सबसे ये एंड में राइट. ट्विटर फर्स्ट सोर्स है, जब से पहले जहां पर सबसे पहले एक तरह से ये अनाउंसमेंट करते हैं. और रेडिट, रेडिट में हेल्प होता है. रेडिट पे भी एक तरह से आप चेक कर सकते हो. मोस्टली क्या होता है, जब कोई हाइप न्यूज आने वाली होती है तो सबसे पहले पोस्ट आती है रेडिट पे भी. एट टाइम्स इनकी टीम पोस्ट करती है, लेकिन वहां पर आपको एट टाइम्स फेक स्कैम न्यूज या कुछ गलत न्यूज भी एट टाइम्स मिल जाएगी, क्योंकि यूजर्स भी पोस्ट कर सकते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग भी ये, बिकॉज यू ऑलवेज नीड टू वेरीफाई. बोलने में तो लोग ये भी बोल देंगे कुछ भी पार्टनरशिप होने वाली है, जैसे आए दिन कुछ ना कुछ आता था, आने वाला मतलब आता ही है कि एप्पल के साथ पार्टनरशिप हो गई, अब उसके वॉलेट आने वाले हैं, जब ये इंजन कॉइन के साथ हुआ था. तो ऐसे स्पेकुलेशन आते हैं, बट इन दी एंड उसको वेरीफाई करना भी इंपॉर्टेंट है. तो इसलिए ऑफिशियल जो सोर्सेज होती है उस पर ज्यादा डिपेंड करना इज बेटर, ये मेरे को लगता है. ठीक है, तो ये तो हो गया फंडामेंटल एनालिसिस के. आप कॉइन के बारे में रिसर्च कीजिएगा, यू नो सब सोर्सेस को देखते रहिएगा. अब नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस. अब ये टेक्निकल एनालिसिस क्या है? राइट, तो टेक्निकल एनालिसिस नॉर्मली सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ लो. बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस को लाइक नहीं करते हैं, बोलते हैं इट डजन वर्क, लेकिन ऐसा नहीं है. टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली होता क्या, सिंपल वर्ड्स में, जब जब आप बाइनेंस के ऊपर या आप वजीर एक्स के ऊपर फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेड कर रहे हैं एंड आप किसी भी कॉइन को बाय या सेल कर रहे हैं, तो कौन से आर में कितनी बाइंग हुई है कितनी सेलिंग हुई है, ये आपको देखने के लिए कोई सोर्स ऐसे मिलेगा नहीं. वो सोर्स जो होता है आपको चार्ट्स के ऊपर मिलता है, और जब उस चार्ट्स को देखोगे तो आप एक तरह से आप स्पेकुलेट ये कर सकते हो जिस तरह से बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम चल रहा है कि उससे आपको कहां पर एंट्री लेनी चाहिए या कहां पर एग्जिट होना चाहिए. उससे आप एक तरह से स्पेकुलेट कर सकते हो कि किस तरह से आगे मूवमेंट आ सकता है. तो उस चीज के लिए टेक्निकल एनालिसिस काफी इंपॉर्टेंट एक तरह से पार्ट प्ले करता है. जब आपको फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ ये देखना है कि इस कॉइन के अंदर स्टार्टिंग से लेके बीटीसी को देखना है, स्टार्टिंग से लेके अभी तक बीटीसी के अंदर कितना मूवमेंट आया, हर साल में कितना ऊपर गया कितना करेक्शन करके नीचे गिरा है, तो वो आप कहाँ देखोगे, वो आप टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू चार्ट में देखोगे. तो वहां पर ये चीज काफी इंपॉर्टेंट आती है. हाँ, तो जैसे यू नो आई थिंक ट्रेडिंग व्यू सबसे पॉपुलर है जहाँ पे सब चार्ट्स हैं. तो पर ये टेक्निकल एनालिसिस तो समझा, तो चार्ट देखो बेसिकली है ना, जाके चार्ट ले. लेकिन अभी चार्ट जब मैं खोलता हूँ मैं, तो मतलब उसमें तो 50 टाइप के चार्ट के ऑप्शंस हो जाते हैं. और अलग अलग मैं देखता हूँ कि ट्विटर पे लोग बोलते हैं आज ये शेप बन गया, कल ये शेप बन गया, आज कैंडल ऊपर हो गया. तो अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में ना ऐसा कुछ बताओ कि दो या तीन चीज जिससे हम सबको मालूम पड़े और हम वही करें. मतलब ज्यादा डीप बहुत कुछ है, लेकिन शायद समझो फर्स्ट टाइमर के लिए ऐसे दो या तीन चीज जिसे इसके बाद मैं जाके वो चार्ट खोल दूं और उसमें ऐसा करके मैं बोलूं हाँ एडी ने बोला था तो ऐसे है, ऐसा कुछ दिख रहा है. सबसे ऐसा सबसे सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज यहाँ पर है कि चार्ट्स को आप ऐसे बता के समझा नहीं सकते जब तक आप उसको दिखाओ नहीं. बट मतलब कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हो विच कैन बी हेल्पफुल. ये बहुत अमेजिंग इंडिकेटर्स नहीं है, लेकिन एट टाइम्स आपको एक तरह से हेल्प कर सकते हैं. एंड चार्टिंग के अंदर हमेशा ही होता है कोई भी एक करेक्ट पैटर्न नहीं होता है, हर किसी का अलग अलग तरीका होता है चार्ट्स को एनालाइज करने का. कोई मूविंग एवरेज को यूज करता है, कोई जो ट्राइंगल्स बनते हैं उनको यूज करता है, चार्ट के जो पैटर्न्स बनते हैं उसको यूज करता है, कोई इंडिकेटर्स को यूज करता है. तो हर किसी का अलग अलग तरीका होता है, बिकॉज इन द एंड इट इज अ स्पेकुलेशन. ये 100% श्योरिटी इसकी कभी नहीं होती. बट जो कुछ यूजफुल आई फील इंडिकेटर्स है जिनको आप यूज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल एक तो मूविंग एवरेज है जिनको आप यूज कर सकते हो, जो एक तरह से आपको एवरेज बताएगा कि आप इस कॉइन की प्राइस एवरेज कितना मूव कर रही है. जैसे आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का भी तो एवरेज देखते हैं ना कि कितना एवरेज देता है मेरे को पेट्रोल में, तो वैसी मूविंग एवरेज होते हैं जो आपको एक तरह से प्राइस के अंदर मूवमेंट का एवरेज देंगे. दैट इज समथिंग दैट यू कैन यूज. एक होता है स्टोकेस्टिक आरएसआई, ये भी एक काफी सिंपल इंडिकेटर है जो आपको सिर्फ इतना इंडिकेट करेगा कि प्राइस अब ऊपर चली गई है तो नीचे कब जाएगी, नीचे है तो ऊपर कब जाएगी. एंड सिमिलरली मैकडी भी एक अच्छा इंडिकेटर है जिसको नॉर्मली लोग यूज कर सकते हैं इफ दे वॉन्ट टू. बट ये क्या वीडियो पे बताने में पीपल वोंट अंडरस्टैंड कि कैसे इसको यूज करना है या क्या करना है. बट आई हैव वीडियोज ऑन माई चैनल, जो लोग इफ दे वॉन्ट टू लर्न दे कैन डेफिनेटली चेक इट आउट एंड थोड़ा सा उनको आइडिया इसके अंदर मिल सकता है. राइट, तो हाँ हम ये भी करते हैं कि मे बी आपने जब पहली बार ऐसा वीडियो बनाया तो कोई बेसिक वीडियो बनाया है जहाँ पे 0 to 1 हम जाते हैं,
तो वो वाला लिंक हम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं वीडियो के एग्जैक्टली बाद। एग्जैक्टली एक मैंने एक दो वीडियोस मैंने बनाए विच इज रियली बेसिक, मतलब एनीबडी कैन स्टार्ट फ्रॉम इट। इनफैक्ट काफी सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने स्टार्ट उन्हीं वीडियो से करा था, और आज की डेट में वो काफी अच्छे ट्रेडर्स बन गए हैं, जो अच्छे टेक्निक्स में मेरे से अच्छा हो जाने लग गए हैं। तो ये है, तो वो डेफिनेटली वी कैन शेयर, मैं आपसे राइट, तो कर वो सकता हूँ। लिंक, प्लस वो हाँ वो लिंक दे दीजिएगा तो ये वीडियो में हम नीचे शेयर कर देंगे इसके बाद, ताकि डेफिनेटली लोग डेफिनेटली समझ पाए। श्योर सही है। डेफिनेटली और तो अभी ये तो हो गया कि यू नो दो एनालिसिस होते हैं, फंडामेंटल और एक टेक्निकल। फंडामेंटल तो सबको समझ गया लग रहा है, बहुत सिंपल था। टेक्निकल आप एक दो वीडियो देख लेंगे समझ जाएगा। अभी जब इन्वेस्ट करना है, लेट्स से मैं एक डेली ट्रेडर हूँ वर्सेस मैं होडलर हूँ, कभी कभार करता हूँ। तो डेली ट्रेडर तो समझ रहा है कि टेक्निकल एनालिसिस तो करना ही चाहिए, मालूम पड़े। पर अब होडलर के लिए क्या लग रहा है कि फंडामेंटल एनालिसिस कर लो कि ये लॉन्ग टर्म में कॉइन बहुत अच्छा दिख रहा है, बस उतना समझ के बैठ सकता है कि उसको भी टेक्निकल एनालिसिस में घुसना पड़ता है। आई फील इट डिपेंड्स कि आप किस तरह से सोचते हो। अगर आप बहुत आलसी हो और आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप सिर्फ ये देखो कि कौन सा अच्छा कॉइन है। जैसे आपको दिखता है कि बिटकॉइन, एंड फंडामेंटल एनालिसिस तो देखना इज इम्पॉर्टेंट। वेन एवर यू बाय समथिंग, तो ये देखना तो जरूरी है कि वो अच्छा है कि नहीं। आप घर के लिए एसी लेने जाते हो, या अपने लिए गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, या सब्जी मंडी में जाके प्याज खरीदते हो, उसमें भी आप 10 बार देखते हो कि कौन सा अच्छा है, क्या बढ़िया है। तो उसी तरह से जब भी आप किसी कॉइन को या किसी चीज के अंदर इन्वेस्ट करो, आपको फंडामेंटली देखना तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी मैं इन्वेस्ट करूंगा, 1-2 साल तक रखूंगा, तो 1-2 साल तक ये रहेगा कि नहीं रहेगा। तो वो चीज तो इंपॉर्टेंट आती है। बट इन दी एंड अगर आप चाहते हो कि अगर मैं इसको बाय करूं अभी के हिसाब से मेरे को बेस्ट रेट मिले, तो वो आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस ही बता सकता है कि आपको कौन सी राइट प्राइस के अंदर एंटर करना है, या कौन सी एक राइट प्राइस है जहां तक प्राइस गिर सकती है एंड उस टाइम पे आप एंटर कर सकते हो। तो ये बेसिकली दोनों का बेसिक मतलब यही है। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब ये है कि कौन से कॉइन में इन्वेस्ट करो, और टेक्निकल एनालिसिस का मतलब ये है कि कौन से राइट टाइम पे एंट्री करो और कौन से राइट टाइम पे एग्जिट करो। ये बहुत बढ़िया है। तो पहले डिसाइड करना है कि कौन सा कॉइन है, तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस कर लो। फिर आपको मिल गया एक 4 या 5 कॉइन जो आपके हिसाब से कौन से है, आपके फंडामेंटल एनालिसिस आप बताइए हमें पहले आके 3 या 4 कॉइन जो आपको लग रहा है फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। बिटकॉइन छोड़ के, हाँ अभी बिटकॉइन, बिटकॉइन है बिटकॉइन सबको राइट पता है। तो राइट तो अभी करंटली मैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे किसी कॉइन को देख नहीं रहा हूँ, बिकॉज द वे मार्केट हैज बिन। तो मैं अभी इवेंट वाइज कॉइन्स के ऊपर ज्यादा मूव कर रहा हूँ, एंड मैं इसी चीज पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि करंटली मेरे पास जो बीटीसी है उसको मैं बढ़ाऊं, क्योंकि बुल रन तो जब आना है तब आ जाएगा, तब बीटीसी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, लेकिन तब तक मेरे को अपना बीटीसी बढ़ाना है। तो अभी करंटली मैं कॉइन वाइज मूव कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वॉक चेन एक अच्छा कॉइन है जिसको आप बाय कर सकते हो, बिकॉज उनका मेननेट का इवेंट आने वाला है अप्रैल अप्रैल से पहले। तो वो एक चीज है, एंड काफी टाइम से अगर आप चार्ट्स भी देखोगे बहुत एक्यूमुलेशन जोन के ऊपर चल रहा है, एंड इतना प्राइस मूवमेंट नहीं है, तो इट इज समथिंग विच यू कैन लुक अप टू। वहां पर थोड़ा मतलब यू कैन एक्सपेक्ट अ रिटर्न। उसके बाद बीएनबी इज ऑल्सो देयर। बीएनबी का आज ही इन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि मेननेट आने वाला है, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। प्लस बहुत सारी ब्लॉकचेन्स एग्जिस्टिंग जो क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बाइनेंस चेन के ऊपर मूव हो जाएंगे, तो वो भी एक ऐसा कॉइन है विच यू कैन लुक अप टू। ऐसी 3-4 और भी कॉइन्स हैं जो पोटेंशियल रखते हैं। बट इन दी एंड जब मैं ऑल्ट ऑल्ट कॉइन्स की बात करता हूँ, जैसे आपने बोल दिया कि बिटकॉइन मत बोलना, लेकिन बिटकॉइन ही मतलब आई फील इट इज दी ओनली कॉइन जिसका सही में एक मतलब वर्किंग सिनेरियो, मतलब वर्किंग एट प्रेजेंट वर्किंग उसका केस बन सकता है, जो चीजों के अंदर एज अ पेमेंट इट कैन बी यूज। एंड अभी पीपल से कि मतलब इट इज मतलब बहुत स्लो है, इतना ट्रांजेक्शन फास्ट नहीं होता है, बट जैसे साइड चेन्स आएंगी धीरे धीरे चीजें बहुत ज्यादा फिक्स हो जाएंगी। एंड अभी भी एग्जिस्टिंग मार्केट में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हु आर ट्राइंग टू डू गुड, जैसे इथीरियम है, इथीरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बहुत हजारों मतलब इतने केस विच यू कैन यूज। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने क्लेम करा है कि हम करेंगे कुछ बनाएंगे, लेकिन वो अभी तक तो स्टेज पे पहुंचे नहीं है। तो उस पर यू कांट गैम्बल कि ये फ्यूचर में वो चीज अचीव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं कभी भी लॉन्ग टर्म कोई कॉइन सजेस्ट करने में हमेशा मेरे को ये लगता है कि नहीं, बिकॉज यू डोंट नो, इट इट विल बी ए गैम्बल, शायद कर पाए नहीं कर पाए। तो तो ये मतलब तो ये लॉन्ग टर्म में बिटकॉइन, बिटकॉइन जिंदाबाद। बिटकॉइन जिंदाबाद, या बिटकॉइन जिंदाबाद। आपको लग रहा है, तो ऐसे ही एक क्वेश्चन के, आपको लग रहा है 5 साल के बाद, ये रिकॉर्ड हो रहा है, देखते हैं 5 साल के बाद आपको लग रहा है बिटकॉइन नंबर वन ही रहेगा? या डेफिनेटली बिटकॉइन ओके नंबर ओके वन ही रहेगा। ऑलराइट, चलो 5 साल के बाद देख लेंगे, ठीक है। सो ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चंस थे। अभी हमने हमारे यूजर्स को, कस्टमर्स को बहुत यू नो पूछा कि आपको, आपसे क्वेश्चंस कुछ पूछने हैं तो हमें सबमिट कीजिएगा। तो आई थिंक 90 या 100
कुछ के आसपास में क्वेश्चंस आ गए हैं, ओके तो उसमें से हमने कुछ गिने चुने क्वेश्चंस यहाँ पे लाया जो इंटरेस्टिंग लग रहे थे। तो पहला वाला था, इसका क्वेश्चन तो ये मेरे दिमाग में भी होता है ये क्वेश्चन कि अगर कोई कॉइन है जिसका समझो सप्लाई 10 लाख हो गया, और सडनली वो कॉइन ने अनाउंस कर दिया कि आप सप्लाई हम लोग डबल या ट्रिपल करने वाले हैं, ठीक है, तो क्या उस कॉइन में इन्वेस्ट करना सही रहेगा कि आपको क्या लग रहा है इसके बारे में, जब सप्लाई इंक्रीज हो जाता है कोई कॉइन का, आई डोंट नो किस वजह से, कोई इवेंट हो गया, मे बी अनलॉक होने वाला है, एक वो है, दूसरा है कि मे बी फंडामेंटली सप्लाई इंक्रीज करने का सोच रहे हैं, पहले आई लिमिटेड था थिंक फिर बढ़ा दिया। राइट आई थिंक इट डिपेंड्स कि किस रीजन से सप्लाई को इंक्रीज करा गया है, क्योंकि इन द एंड जब हम मास अडॉप्शन की बात करते हैं, जैसे बिटकॉइन की जो सप्लाई दैट इज लिमिटेड टू 21 मिलियन बिटकॉइन, उससे ज्यादा बन नहीं सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ऐसी कोई करेंसी हो जो बहुत सारे लोग यूज करें, तो उसके लिए यू नीड लार्ज क्वांटिटी, क्योंकि इतने बिलियंस में इतने लोग हैं दुनिया के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग यू ऑल्सो नीड सप्लाई। तो इट रियली इन द एंड इट कम्स डाउन टू कि क्या रीजन है जिसके कारण सप्लाई को इंक्रीज करा गया है। क्या ये बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट जिसपे वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकता है, जिसके कारण इन्वेस्टर्स को रिटर्न मिल सकते हैं, वो चीज हो सकती है, या फिर कुछ प्रोडक्ट के अंदर उनको चीजें चेंज करनी है जहां पर दे नीड मोर सप्लाई जिससे चीजें आगे जाके हो पाए। तो इट इन द एंड इट डिपेंड्स। मतलब अगर वैलिड रीजन लग रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन अगर टीम ने कुछ बोला नहीं और जस्ट सप्लाई इंक्रीज कर दिया या तो अनाउंसमेंट कर दिया हम सप्लाई इंक्रीज या कर दी, राइट तो थोड़ा मतलब इट बेस्ट है। ऑलवेज दे ऑलवेज नीड टू हैव अ वैलिड रीजन कि ये रीजन क्यों हो रहा है। और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने ये चीज करी है। इनफैक्ट वी चेन हो गया, आई थिंक देर वॉज वन कॉइन कॉल्ड पैक कॉइन, और ऐसे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने इन दी एंड चीजें चेंज करी हैं। इनफैक्ट अभी भी जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, जो आईओएस कर रहे हैं, उनकी भी सप्लाई कुछ और थी एंड दे आर नाउ चेंजिंग इट, बिकॉज इन दी एंड मार्केट सेंटिमेंट ही इस तरह से बना हुआ है, क्योंकि सप्लाई से बहुत सारी चीजें एक तरह से कंट्रोल होती है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू प्राइस। तो वो है, तो हर किसी का इसमें अलग अलग रीजन होता है। ठीक है, तो अभी हम जब ये डिस्कस कर रहे थे आपने बोला कि जैसे बिटकॉइन का 21 मिलियन है लिमिटेड सप्लाई, और हम हमें पता है कि बिटकॉइन का सप्लाई चेंज नहीं होगा एटलीस्ट जहां तक हम हमें सब सब जानते हैं, पर जब 21 मिलियन खत्म होगा जो बहुत सालों बाद है, तो लोग जानना चाहते हैं उसके बाद क्या होगा, राइट मतलब कैसे चलेगा बिटकॉइन, मतलब माइनिंग खत्म हो जाएगा तो क्या माइनर सब चले जाएंगे, क्या बिटकॉइन का नेटवर्क गिर जाएगा, तो आपको क्या लग रहा है इसके बारे में? राइट तो बिटकॉइन का बेसिकली लोगों को ये लगता है कि जब बिटकॉइन माइन होता है तो आपको रिवॉर्ड सिर्फ तब मिलता है व्हेन यू सक्सेसफुली माइन अ ब्लॉक। तो उसका जो मतलब जो डिसाइडेड प्राइस है वो आपको मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप ट्रांजेक्शन करते हो, और जब आपका ट्रांजेक्शन जो कॉस्ट कटता है ना, जब आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, वो भी एक तरह से पे आउट होता है जो बोनस में माइनर को मिलता है। तो इन दी एंड जब जाके एंड में बिटकॉइन की ब्लॉकचेन जो होगा, आई थिंक 2040 के अंदर होने वाला है, जो लास्ट ब्लॉक उन्होंने स्पेकुलेट किया जो माइन होगा, दैट इज इन 2040। तो वहां पर जाके ये चीज होगी कि हाँ, ब्लॉक का रिवॉर्ड भी बहुत कम हो जाएगा और कम मिलेगा, बट इन दी एंड जो लोग ट्रांजेक्शन करेंगे, एंड ट्रांजेक्शन अगर उस टाइम पे बहुत सारे होने लग गए, तो वो जो ट्रांजेक्शन जो जो कॉस्ट लगेगी उसका जो रिवॉर्ड है वो भी बहुत बड़ा एक अमाउंट लोगों के लिए बन जाएगा। एंड इसी तरह से अगर बिटकॉइन की प्राइस बढ़ती रही, जैसे अभी इट इज अराउंड $5,000, अगर उस टाइम पे हो गई $100,000 या उससे ज्यादा हो गई, तो इट इज बिग, 0.1 BTC भी बहुत हो जाएगा लोगों के लिए। तो दैट इज समथिंग, मतलब ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर काफी डिबेट वगैरह चल रहे हैं, एंड इसके ऊपर अलग अलग सोल्यूशन भी फाइंड कर रहे हैं। मतलब बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है जो लोग बोलते हैं कि दिस रिवॉर्ड इज समथिंग जो एक तरह से माइनस को रखेगा, बट यू कांट बी 100% श्योर। तो उसी के लिए दे आर वर्किंग ऑन न्यू सोल्यूशंस जो एक तरह से लोगों को हेल्प कर पाए एंड चीजें। मे बी डाउन द रोड हम और कुछ डेवलपमेंट देखेंगे बिटकॉइन की एक्चुअल ब्लॉकचेन को लेके, बट वो विद टाइम पता चलेगा, 1-2 साल बाद ही शायद। ये ठीक है है, तो ये तो सब, तो एडी सवाल तो बहुत है लेकिन समय कम है, तो राइट एक बार देख लेना, तो कोई ऑडियंस का कुछ क्वेश्चंस है क्या स्पेशल? ये क्वेश्चन तो पूछना ही पड़ेगा, अभी लाइव में लोगों ने पूछा है कि क्रिप्टो इंडिया के टी शर्ट्स कैसे मिलेंगे? क्रिप्टो इंडिया के टी शर्ट कैसे मिलेंगे? मेरे चैनल पे आ जाओ और मुझे फॉलो करो, आई विल डू अ गिव अवे सून। एंड इतना कोई ऑसम टी शर्ट नहीं है, बट स्टिल तो पक्का तो गिव अवे देखना करना है, ठीक राइट। है, एंड वजीर के चैनल पे मतलब यू कैन पिक 2 रैंडम विनर्स जो भी हो, ठीक, उनको अरे डेफिनेटली ठीक फ्रॉम माय साइड इट विल बी अ गिव अवे। है, परफेक्ट, तो हम लोग ये वीडियो के बाद बता देंगे कि इस चैनल पे आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक या राइट दो टी शर्ट्स क्रिप्टो
क्रिप्टो इंडिया की तरफ से आपको मिलेगा। ठीक है, डेफिनेटली डेफिनेटली ऑसम ऑसम। ये तो आई थिंक एक अच्छा बोनस हो गया ये वीडियो देखने राइट सबके लिए। ठीक है, सो राइट एडी ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था, मुझे अभी बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि इसके बाद में जाके देखूं टीए क्या होता है, एक दो चार्ट समझ जाओ। तो आपके राइट वीडियो के लिए मैं वेट करूंगा, और श्योर श्योर आप कुछ हमारे ऑडियंस के लिए कुछ कहना चाहते हैं अबाउट इन्वेस्टिंग, ये पूरा क्रिप्टो स्पेस इन जनरल? आज मेरे को लगता है सब आज बहुत खुश हैं, क्योंकि आजकल 2 दिन 3 दिन से खुश हैं, बिटकॉइन 5,000 राइट पे पहुंच गया। पर राइट कुछ आप कहना चाहते हो? सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही जो हर कोई बोलता है कि मतलब ऐसा मनी कभी भी इन्वेस्ट मत करो विच यू कांट अफोर्ड टू लूज, वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है हमेशा ध्यान रखना। बट उसके बाद भी काफी लोग हैं जो फिर भी करते हैं, तो ये चीज है। एंड वेन एवर यू इन्वेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर, तो नेवर थिंक कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा फील्ड है जहां पर मैं आऊंगा यू इन्वेस्ट करूंगा और करोड़पति बन जाऊंगा। फ्री मनी किसी चीज में नहीं होता, चाहे आप कितना ट्राई कर लो। मे बी एक सर्टन टाइम पीरियड के लिए हो जाए, लेकिन वो लंबे टाइम तक के लिए नहीं रहता है। तो अगर आप चाहते हो कि आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए रहो, या फिर आप मतलब फुल टाइम क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर वगैरह बनो, तो ट्राई करो कि यू ट्राई टू लर्न एवरी डे। इनफैक्ट मैं भी अभी मतलब मेरा ये खुद का गोल होता है कि एवरी डे आई ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, जो मेरे को नहीं पता है मैं सर्च करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस पे भी, टेक्निकल एनालिसिस पे भी। ऑल्दो काफी चीजें लर्न करी हैं, बट आई स्टिल फील कि बहुत सारी चीजें हैं एंड ये ऐसी फील्ड है जिसके अंदर लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है। तो मैं जितना सीखूंगा उतना मैं बेटर बनता रहूंगा। तो उसी चीज को फॉलो करोगे तो यू कैन बिकम अ बेटर ट्रेडर। एंड कभी भी किसी चीज को ट्राई करने से पहले रिजेक्ट मत कर दो कि मैं ये चीज लर्न नहीं करना चाहता। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस है उसको लर्न करो, अगर आप सिर्फ टीए के ऊपर ट्रेड करते हो तो ट्राई कि फंडामेंटल में थोड़ा तो लर्न करो, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड नहीं हेल्प करेगा तो कुछ सीखने को तो मिलेगा ही। एंड सिमिलरली अगर आप सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ट्राई टू लर्न टीए, थोड़ा तो सीखो कम से कम। अगर सीखोगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एंड आई हैव सीन पीपल जो बोलते हैं कि हाँ हमारा मतलब ट्रेडिंग बहुत चेंज हो गया। तो मैं यही चीज बोलूंगा, इन द एंड क्रिप्टो करेंसी इज हेयर टू स्टे, बिटकॉइन रहेगा यहाँ पर। बस ये है कि इन्वेस्ट करो तो सोच समझ के करो, बिकॉज इस दुनिया में कोई भी चीज सर्टन नहीं है। खुद की जो आप जॉब कर रहे होते हो उसकी भी कोई सर्टेनिटी, बिजनेस की सर्टेनिटी नहीं रहती है, तो क्रिप्टो की कैसी सर्टेनिटी हो सकती है। बट जिस कॉन्सेप्ट को लेके बिटकॉइन यहाँ पर आया, दैट इज रियली वैल्यूएबल। यानी कि ऐसी चीज है जो आगे जाके चीजों को बहुत ज्यादा चेंज करेगा। एंड उस चीज को समझने की अगर आप कोशिश करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड क्यों बिटकॉइन इतना इंपॉर्टेंट है एंड क्यों लोग अभी भी इसके अंदर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिक मेरी कुछ फ्यू लाइंस है। बाकी जो बुरा टाइम था, जो अग्नि परीक्षा थी, वो तो अपनी 2018 में हो चुकी है। मे बी थोड़ा बहुत डंप वंप देखने को मिला ऊपर नीचे, मतलब अब तो आई थिंक सबके सभी मैन ऑफ स्टील बन गए होंगे इतने अप्स एंड डाउन देखने के बाद कि किसी को इतना फर्क नहीं पड़ता है। बट डेफिनेटली आगे एक अच्छा टाइम आएगा। अब ये प्रिपेयर करना, आपने 2018 में जो मिस्टेक्स करी है जस्ट लर्न फ्रॉम इट एंड उससे सीखो, और आगे वाला आने वाला टाइम होता है उसके अंदर एक बेटर ट्रेडर करो और बनो और अच्छे से आप इन्वेस्ट करो, यही प्लानिंग रखो मतलब ये। बाकी ऑल द बेस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो एडी बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए, और इतना समय देके हमें ये सब समझाने के लिए, नूब्स के लिए, फर्स्ट टाइमर्स के लिए। तो अब हम सब समझ गए हैं, और आई थिंक लेट्स ऑल होप के बिटकॉइन और ऊपर जाए और सभी ऑल्ट्स को साथ में लेकर ऊपर जाए, ताकि राइट जो भी ट्रेडर्स है सब थोड़े बेयर मार्केट में, आई थिंक बहुत बहुत समय हो गया, सब बहुत थक चुके हैं, तो ये अभी सब देखते राइट, दिस हैं। इज दी लॉन्गेस्ट बेयर पीरियड पूरा जितना तो चला है ना इतना राइट लंबा, राइट राइट बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट। राइट ठीक है, चलो। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत शुक्रिया शो को देखने के लिए, और हम अगली बार और एक कोई नए गेस्ट के साथ आएंगे और कुछ नया सीखेंगे, क्योंकि क्रिप्टो पे चर्चा पे हम एवरी वीक कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। चलो बाय बाय एडी। बाय बाय, थैंक यू फॉर हैविंग मी, थैंक यू।